हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइफ साइंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, अगेन मैं आपके लिए सी एस आई एम सी क्यू लेकर आया हूँ। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है एंड देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द रेगुलेटरी रीजन ऑफ ए नोवल प्रमोटर सिक्वेंस शोन बिलो, फॉर 150 बेस पेयर डिलीशन कंस्ट्रक्ट वर मेड इन ए ल्यूसिफरेज रिपोर्टर सिस्टम एज इंडिकेटेड अबोव इन बॉक्सेस ए टू डी। मतलब कि यहाँ पे देखो प्रमोशन डिलीशन ए से एक छोटी सी टेक्निक होती है जिसमें हम प्रमोटर एक्टिविटी आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है, ठीक है, जहाँ पे हम क्या करते हैं प्रमोटर से कुछ पार्ट को डिलीट करके हम देखते हैं कि रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पे क्या इफेक्ट आने वाला है। तो यहाँ पे देखो प्रमोटर दे रखा है, लाइक यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये देखो ये पूरा क्या क्या है, पूरा प्रमोटर है। प्रमोटर की एक्टिविटी हम देख रहे हैं, अगर पूरा का पूरा है तो 100% इसकी एक्टिविटी है। पर अगर मैं यहाँ पे डिलीशन करता हूँ ए वाले रीजन के अंदर, यहाँ पे देखो तब प्रमोटर की एक्टिविटी कितनी है, पहले 100% थी, अब कितनी हो गई है, 20% पे हुई है। अगर यहाँ से यहाँ तक अगर मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं बी वाले रीजन 150 से 300 रीजन को डिलीट करता हूँ तो प्रमोटर की एक्टिविटी पहले कितनी थी 100, अब कितनी है 90%। अगर मैं 300 से 300 से 450 के बीच वाले रीजन को डिलीट करता हूँ तो प्रमोटर की एक्टिविटी 100 से आप कितनी हो गई, 140% हुई, ओके। एंड 450 से 600 के बीच वाले रीजन को अगर डिलीट करता हूँ, ये सारे के सारे 150 150 150 है, अगर इसको डिलीट करता हूँ तो प्रमोटर की एक्टिविटी 105 है, ओके, 105% है। तो इसी बिहार पे हमें इस क्वेश्चन का आंसर लगाना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने बोला है कि हमें 150 बेस पे का डिलीशन देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और एक्टिविटी कैसे आइडेंटिफाई करा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ल्यूसिफरेज रिपोर्टर सिस्टम हमने रखा है, ठीक है। एंड इन्होंने बोला है आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन द अबोव लेवल ऑफ प्रमोटर एक्टिविटी लाइक परसेंटेज में दे रखी है, इसको हम क्या करके जा रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं बाय ल्यूसिफरेज एसे ऑफ ऑल द कंस्ट्रक्ट इज इंडिकेटेड इन द राइट ऑफ द फिगर, लाइक इसकी बात की जा रही है पूरी की। एंड इन्होंने बोला है आइडेंटिफाई द बेस्ट काइट कॉम्बिनेशन ऑफ रीजन इन द ऑप्शन गिवन बिलो दैट इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ व्हाट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, व्हाट पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेटरी एलिमेंट रेस्पेक्टिवली। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एलिमेंट्स की बात क्या है, अगर मैं क्या करके जा रहा हूँ, मे बी अगर प्रमोटर के अंदर, यहाँ पे देखो ये प्रमोटर है, तो प्रमोटर से अगर मैं कोई रीजन यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रीजन अगर मैं बोल के जा रहा हूँ यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 600 है, अगर मैं कुछ पार्ट डिलीट कर रहा हूँ तो देखो प्रमोटर के अंदर क्या हो सकता है, प्रमोटर के अंदर देखो प्रमोटर यहाँ पे क्या होता है, मे बी यहाँ पे एक तरह से हम बोल सकते हैं एनहेंसर साइट प्रेजेंट हो सकती है जो कि रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज कर सकती है, या डीएनए के अंदर क्या हो सकता है, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंडिंग साइट हो सकती है, ठीक है। क्या हो सकती है, या तो एनहेंसर साइट हो सकती है, एनहेंसर साइट हो सकती है, ठीक है, आपने वो डिलीट कर दी है। अगर एनहेंसर साइट के अंदर क्या होगा, इसके अंदर अगर आपने डिलीशन कर दिया, डिलीशन कर दिया है तो ट्रांसक्रिप्शन रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और अगर यहाँ पे क्या है, रिप्रेसर रिप्रेसर बाइंडिंग साइट भी होती है डीएनए के अंदर, तो रिप्रेसर बाइंडिंग साइट को अगर आपने क्या करा है, डिलीट कर दिया है, डिलीट कर दिया है, तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन रेट क्या होगी, क्योंकि रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड ही नहीं करेगी तो हाई हो सकती है, ठीक है। तो रिप्रेसर बाइंडिंग साइट या कोई साइलेंसिंग रीजन है, साइलेंसिंग रीजन है, ठीक है, या यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, एनहांसर साइट हो सकती है, या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट हो सकती है, ठीक है, क्योंकि प्रमोटर पे कौन बाइंड करता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो बाइंडिंग साइट है, बाइंडिंग साइट है, वो अगर आप डिलीट कर देते हो तो उसके वजह से रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, डाउन हो जाती है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव कौन है, तो पॉजिटिव वाला सीधी से बात है, जो 140% बता के जा रहा है, इससे ज़्यादा क्या होगा और इससे कम क्या होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी और ए तो होगा, या तो प्रमोटर की एक्टिविटी 100 से कितनी है, 100% थी, कितनी हो गई, 20% हो गई है, कितनी हो गई है, 20%, तो ये, या 100% से कितनी हो गई, 100% से कितनी हो गई है, 140% हो गई, तो ये दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव में काउंट होंगे, इसके अलावा तो कोई दूसरा काउंट हो नहीं सकता। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए, और कौन सा आ जाएगा, सी। ए और ए सी कहाँ आ रहा है, यहाँ पे बी में आ रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहो। इनकेस फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, एंड ये एमसीक्यू आपके लिए हेल्पफुल है, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बाय, टेक केयर।